गुड मॉर्निंग दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कुल 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वितरित माल के मूल्य के लिए वस्तु का खरीदार तथा अदाकर्ता पर वस्तुओं के विक्रय तथा अहर्ता द्वारा अराहित प्राकम्य लिखित को डैश रूप में जाना जाता है। तुम्हारे पास ऑप्शन है वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक बिल, राजकोष बिल, जमा प्रमाण पत्र, ये इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाणिज्यिक बिल एक सही आंसर है। आइए जो वाणिज्यिक बिल यानी कि कमर्शियल बिल है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। द कमर्शियल बिल आर इशूड बाई द सेलर ऑन द बायर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स डिलीवर्ड बाई हिम। दिस बिल आर ऑफ 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज मैच्योरिटी। इफ द सेलर इज इन नीड ऑफ फंड ही मे ड्रॉ ए बिल एंड सेंड इट टू द वायर। फॉर सेलर इज इन नीड ऑफ फंड ही मे ड्रॉ ए बिल एंड सेंड इट टू द वायर फॉर एक्सेप्टेंस। द वायर एक्सेप्ट द बिल एंड प्रोमिस टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। ही मे ऑल्सो प्रोस इज बैंक टू एक्सेप्ट द बिल। द बैंक चार्जेज अ कमीशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल एंड प्रोमिस टू मेक द पेमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत रखा गया है। तुम्हारे पास ऑप्शन है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एक सही आंसर है। आइए वाणिज्यिक बैंकों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी वित्त संस्थाएं जो विभिन्न स्रोतों से चेक द्वारा निकाले जाने वाले योग्य जमा राशि का संग्रह करके साख सृजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऋणों की आपूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। द शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच आर इंक्लूड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934 एंड विच कैरी आउट द नॉर्मल बिजनेस फॉर बैंकिंग सच एज एक्सेप्टिंग बिल, गिविंग आउट लोन एंड अदर बैंकिंग सर्विस। शेड्यूल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर पब्लिक बैंक। एट प्रेजेंट देर आर 27 पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इंक्लूडिंग द SBI प्लस इट्स 5 एसोसिएटेड ब्रांचेस एंड 19 नेशनल बैंक। एंड फर्दर देर आर 2 बैंक विच हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय द RBI, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक IDBI एंड भारत महिला बैंक, जो अभी जो ऐड हुआ है भारतीय महिला बैंक कम्स अंडर द कैटेगरी। पहले 26 हुआ करते थे लेकिन अभी 27 हो गए हैं भारतीय महिला बैंक आने के बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन एवल पुरस्कार के लिए सत्य नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, विज्ञान और पत्र के नार्वे अकेडमी असलो ने 2002 में एवल पुरस्कार की स्थापना की थी। पहली बार पुरस्कार 2002 में दिया गया था। पुरस्कार के माध्यम से 6 मिलियन नॉर्वन के कौन का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एवल पुरस्कार सम्मान एक महान गणितीय को प्रतिवर्ष उसके द्वारा गणित के लिए महान और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ये इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि पहली बार पुरस्कार जो 2002 में दिया गया था वो एक सही आंसर है। आगे देखते हैं हम एबल पुरस्कार के बारे में। एबल पुरस्कार जो है वो नॉर्वेजियन एकेडमी द्वारा साइंस ऑफ लेटरेस ने गणितज येवेस मेयर को 2017 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया था। हमारे जो भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर हैं श्री निवास वर्धन को नॉर्वे के विज्ञान एवं साहित्य अकादमी ने गणित के संबंधित प्रेक्ता सिद्धांत और बड़े अंतर के एकीकृत सिद्धांत के प्रति उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 2007 में एबल पुरस्कार प्रदान किया था। एबल पुरस्कार में जो है तो $9 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये पहला अवसर है जब ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी भारतीय मूल के गणितज्ञ को मिला था। ये पुरस्कार गणित विषय का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि डैश के द्वारा संचालित की जाती है। तुम्हारे पास ऑप्शन है RBI, NABARD, RBI
आरआरबी भारतीय सरकार, भारत सरकार, ये इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि नाबार्ड एक सही आंसर है। नाबार्ड जो है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड बनने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्य और तत्कालीन कृषि पुनः वित्त और विकास निगम के पुनः वित्त कार्य नाबार्ड को अंतरित कर दिए गए थे। नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक विकास बैंक के रूप में की गई थी। इसे अधिदेश दिया गया था कि ये संभावित ग्रामीण विकास और ग्रामीण इलाकों की समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन इलाकों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प कलाओं के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों के विकास और संवर्धन हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। जो हेड ऑफिस है नाबार्ड का वो मुंबई में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला चेक जो नकदी के रूप में कार्य करता है लेकिन हानि या चोरी के खिलाफ सुरक्षित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तुम्हारे पास ऑप्शन है यात्री चेक, परक्राम्य चेक, रेखांकित चेक या विशेष चेक। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एक यात्री चेक एक सही आंसर है। ये जो नीचे यात्री चेक की एक पिक्स जो है वो दी गई है। यात्री चेक वो होता है जैसे कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो एक हार्ड मनी जो लेके जाते हैं उसको यानी कि हानि या चोरी होने का डर होता है, उसके लिए यात्री चेक जो है वो एक सुरक्षित साधन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो डीमेट खाते से रिलेटेड है। डीमेट अकाउंट से आप क्या समझते हैं? डीमेट अकाउंट यानी कि शून्य बैलेंस खाता होता है। ये वे खाते होते हैं जो ऋण के पुनर्भुगतान के लिए खोले जाते हैं, या ये वे खाते होते हैं जो विभिन्न कंपनियों के शेयर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार को किया जाता है, या ये वे खाते होते हैं जो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के माध्यम से कारोबार किया जाता है। ये इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वे खाते होते हैं जो कंपनियों के शेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार किया जाता है। तो डीमेट अकाउंट के बारे में हम पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक पे दे रहा हूँ। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो 7th क्वेश्चन है वो है, बैंकों को बैंक जो अन्य विदेशी बैंकों से जमा स्वीकार कर सकते हैं लेकिन जिस देश में व्यवस्थित होते हैं उनके निवासियों से जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ये निम्नलिखित में से किस परिभाषा में आते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है निवेश बैंकिंग, अपतटीय बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, शाखा बैंकिंग या यूनिट बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपतटीय बैंकिंग सही आंसर है। अपतटीय बैंक वो होते हैं जो उसी देश में होते हैं लेकिन उस देश के निवासियों को वो यानी कि उसकी जो डिपॉजिट होती है या बैंकिंग के जो चैनल के थ्रू जो काम आते हैं वो बैंक नहीं करते हैं। वो सिर्फ फॉरेन में रहने वाले बैंकों, फॉरेन में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनके या अपने जो कंपनीज कार्य करती हैं उनका भी वो लेन देन का कार्य करते हैं, उनको हम अपतटीय बैंकिंग कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो 8th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अवधारणा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है ई पेमेंट, एसएमएस अलर्ट, एटीएम कार्ड, नंबर पोर्टेबिलिटी, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है नंबर पोर्टेबिलिटी वो एक सही आंसर है। नंबर पोर्टेबिलिटी जो है वो मोबाइल सिम से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपने ये जो नंबर है वो अगर जैसे एयरटेल में लिया हुआ है तो वो अगर आपने आइडिया में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको नंबर पोर्टेबिलिटी करवानी पड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से बैंक किसको प्री शिपमेंट वित्त उपलब्ध कराते हैं? हमारे पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड धारक, निर्यातकों, शेयर बाजार में दलालों को, ग्रामीण कारीगरों को, ये इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड निर्यातकों को ये एक सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तुम्हारे पास ऑप्शन है 1993, 1990, 1992, 1991, ये इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1992 एक सही आंसर है। आइए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ और जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अर्थव्यवस्था
का बैरोमीटर माना जाता है। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि शेयरों की खरीद फरोख्त जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होती है। किसी भी मार्केट में शेयरों की खरीद और बिक्री उसकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है। इसका रिकॉर्ड रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत और एशिया का सबसे पुराना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। NSE जो है उसकी 1992 में हुई थी। ये इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। पहले स्टॉक एक्सचेंज एक निर्धारित स्थान पर होता था, जहाँ शेयर ब्रोकर अपने आमने सामने बैठकर शेयरों की ट्रेडिंग किया करते थे। उसमें ट्रेडिंग रिंग कहा जाता है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में खड़े होकर जो है वो शेयरों की बोली लगाया करते थे। उसमें बहुत सारी गलतियां होने का डर होता था, लेकिन अब सारा कारोबार कंप्यूटरीकृत होने से निवेशकों के लिए शेयरों में निवेश करना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। धन्यवाद। कल हम बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड पार्ट 8 कवर करेंगे। थैंक्स।